साहब ने बताया, ये एक जरगा है और इस जरगे में मैं ये बात रखना चाहता हूँ, मैंने जरगे के 3 मेंबरान पे मुश्तमिल जरगा बुलाया है जिसमें आप लोग गवाह के तौर पर हैं। और वो जरगे की नौयत, ये जो मेरा हलका है पीकी चौरसी, ये है जरगे में मैंने मौलाना समी अलख शहीद रहमतुल्लाह अलैह, आपको मालूम है उसके फर्जंदे अर्जुमल को दावत दी है। जरगे में मैंने जनाब काजी हुसैन अहमद साहब, आप जानते हैं उसको, उसके बेटे जनाब आसिफ लुकमान काजी को दावत दी है। और जरगे में मैंने साबित सदर और आर्मी चीफ जनरल मोहम्मद जियाउल हक के बेटे जनाब मोहम्मद इजाजुल हक को दावत दी है। और साथ साथ इस जरगे में मेरे साथ आदमजई के निसार खान मरहूम, उसका पोता खुशहाल खान खटक और शाहबहराम खटक भी शामिल है। छोटा सा मुख्तसर जरगा, और वो ये है कि मैं चाहता हूं कि हल्का पीके चौरसी में मैं बहसीयत मुत्तफिका उम्मीदवार इलेक्शन लड़ू। जमात इस्लामी की अपनी ख्वाहिश है, मैं उसका एहतराम करता हूं, मैं उसका उम्मीदवार हूं, लेकिन मेरी ख्वाहिश और जरगा ये है कि मैं यहां से जनाब हामिद उलहक कानी साहब का जमीयत उलमा इस्लाम का नुमाइंदा भी हूं, जनाब इजाज अलग साहब का पाकिस्तान मुस्लिम लीग का भी नुमाइंदा हूं, और इस तरीके से जमात इस्लामी का भी नुमाइंदा हूं और यहाँ के अवाम का भी नुमाइंदा हूं। मैं क्या करना चाहता हूं, मैंने इस हलके से 2000 लोगों को सऊदी अरब लेके गए जॉब कर रहे, और सब लोगों को मैं फ्री लेके गया, आप लोग गवाए, किसी एक आदमी से मैंने आज तक एक हलाला भी नहीं लिया। लिहाजा मैं कश्मीर फलस्तीन और पेशावर की बात तो नहीं करना चाहता हूँ, झूठी मुंह बड़ी बात, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि अगर मैं एमपीए बन गया इस हलके से, तो मैं इस हलके से 10,000 नौजवानों को इंशाल्लाह रोजगार दूंगा। 10,000 नौजवानों को वो किस तरह दूंगा कि मैंने एक काजी लुकमान की क्यादत में इस्लामाबाद में चंद दिन पहले एक ओवरसीज कॉन्फ्रेंस किया उस ममालिक में, जिसमें जर्मनी, तुर्की और खरीजी ममालिक शामिल है। रीबिल्ड पाकिस्तान और रीबिल्ड नौशेरा के कंसेप्ट के जरिए एक रीबिल्ड पीके चौरसी में रीबिल्ड करना चाहता हूं। उस सिलसिले में अगर आप लोगों को मालूम हो, ये जो हमारा नौशेरा शेख गिलास इंडस्ट्री है, मैं इजाजत अलग साहब की गुजार भी करना चाहता हूँ, नौशेरा शेख गिलास इंडस्ट्री जहां पर कम से कम 3-4 हजार मजदूर काम कर रहे थे, इसकी इफ्तिता 8 मई 1982 को साबित सदर जनरल मोहम्मद जियाउल हक ने किया था, अभी बंद पड़ी है। बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है, बिल्डिंग है, सब चीजें है, मशीन है, थोड़ी सी रिनोवेट करना चाहिए, इसमें हमें अप्रूवल चाहिए MI/ISI से और सेंट्रल पुलिस से। इजाज अलग साहब को पूरी कौम और हल्का पीके चौरसी की तरफ से हमारी दरखास्त है, इंशाल्लाह ये हमें अप्रूवल दिलवाएंगे ISI से, और इसके लिए इन्वेस्टर मैं लेके आऊंगा बाहर से, लंदन से और अमेरिका से इन्वेस्टर लेके आकर के इस कारखाने को इंशाल्लाह हम दोबारा रीचालू करेंगे। यहाँ पर नौशेरा शीट गिलास इंडस्ट्री इंशाल्लाह ये दोबारा चलेगा, और ये कारखाना क्योंकि इसके वालिद ने शुरू किया था, फिर इसके वालिद ये जो चश्मई लिंक रोड है जिसके ऊपर हम जा रहे, खुशहाल खान खटक जो पश्तूनों का सबसे बड़ा जनरल था, पश्तून से बसालार और मुबारिस था, हमें सब पे उस पे फख्र है, उसकी मजार की तामीर भी जनरल जियाउल हक ने किया था, पांडिया था, और ये चश्मई की सोड़े से लिंक रोड है, इसके पैसे भी दिए थे। अब इंशाल्लाह ये प्रोग्राम खत्म होगा तो हम दोबारा जाएंगे इजाजुल हक साहब की इस इलाके के साथ, यहाँ के लोगों के साथ, कर्नल निसार मरहूम की फैमिली के साथ, खुशहाल खान खटक के लोगों के साथ, हमारे साथ, यहाँ के मुजाहिदीन के साथ, जिहाद अफगानिस्तान के लोगों के साथ, और काजी हुसैन अहमद मरहूम के साथ बड़ी मोहब्बत है। लिहाजा ये जरगा इंशाल्लाह मुत्तफिका तौर पर ये जरगा मेरे साथ खड़ा रहेगा, मैं इलेक्शन लड़ूंगा, मुत्तफिका उम्मीदवार होऊंगा इस जरगे की और आप लोगों की, और मेरा एक सिंगल पॉइंट एजेंडा है, इंशाल्लाह इस हलके के अंदर सबसे बड़ी रोजगार होगी, 10,000 नौजवान होंगे, मैं खुद इंजीनियर हूँ, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में मैंने मास्टर किया जापान से, यहाँ कारखाने लगेंगे, यहाँ पर मजीद कारोबार लगेगा, ये जो निजामपुर और चश्मे के पहाड़ों के अंदर जबरदस्त बेहतरीन मार्बल से इसको हम कट करके रीफिनिश करके सऊदी अरब में लेके जाएंगे। आपको मालूम है इस हलके के अंदर सबसे बेहतरीन वेजिटेबल पैदा होती है, बेहतरीन वेजिटेबल, लेकिन प्रॉब्लम की अगर आप में से कोई आदमी मक्का मुकर्रमा गया हो, ये लोग गए हैं वहां, जब आप भिंडी लेते हैं वहां पर, जब आप टमाटर लेते हैं तो उसके ऊपर लिखा होता है इंताजुल हिंद, अल्लाह के घर के सामने हिंदुस्तान की सब्जी वहां पर रोक होती है, इंताजुल हिंद लगा होता है। मेरे कोड़ा खटक और पीके चौरसी की सब्जी जबरदस्त है, लेकिन यहाँ पर किसान मजलूम और मजबूर है, किसान उनको मुस्तहकम करके
कोला खटक में इंशाल्लाह एक वेजिटेबल प्रोसेसिंग और पैकिंग जोन लगाऊंगा और यहाँ से आपकी सब्जी पैक होकर के खलीजी ममालिक जाएंगे इंशाल्लाह। यहाँ से मजदूर वो उठेगा, जब एग्रीकल्चर बिल्टअप होगी, इंडस्ट्री बिल्टअप होगी, हमें गवर्नमेंट जॉब की जरूरत नहीं है, सिर्फ बिजली की जरूरत है। ये जो तारे लगी हुई है, जनाब हाबिबुल्लाह हक्कानी साहब ने इस इलाके को बिजली दी थी जब कौमी असेंबली के मेंबर थे, हम मशहूर हैं इंशाल्लाह, दोबारा भी हम बिजली देंगे और यहाँ पर रोजगार देंगे। आखिर में हमारा जो मुअज्जज मेहमान है वो बात करेगा, आपने उसके इस्तकबाल में खड़ा होना है, उसके बाद आप सब लोगों के लिए गाने का बंदोबस्त किया है कि आपके जज्बे ठंडे पर। और मैं मुझे तो इस बात का सामना है एक तकरीर का, लेकिन जज्बे चाहता हूँ कि अल्लाह के यहाँ ये नारे मस्ताना मकबूल हो जाए, कबूल। दीवारें लगी हुई है कि वो कश्मीर में जाए और जहाद करे, वो रास्ते भी बंद है और वहां कश्मीरियों को भी पीसा जा रहा है। ये कौन सी पॉलिसी है? हमें अपनी दाखिल एक कौमी और सियासी मजहबी एक तीसरी कुव्वत बन के या पिशावर या लाहौर में जमा हो और बैठे तो बहुत बड़े, हमें आवाज बुलंद करने की जरूरत है। आप देख रही है दे वतन तो दे कौम ता अमन वर की हिफाजत वर की गवाजर की मौलाना हिदायत रहमान हक को तहरीक चलो लो खैबर पख्तूनख्वा खलक दे अगे सहूलियत खुरश अगर अमन फराहम की और इंसाफ फराहम की नमुंगर दी वतन हुकूमतुन न मुतालबा को मुंग दी जी रे दा खैबर पख्तूनख्वा दा आवाम की दी शल जरा अरब रुपए सुमरा शल जरा अरब रुपए दादी वतन द सलामती द पर बजट पर गई 20,000 अरब के जमीयत उलमा इस्लाम मोहल्ले की दीवारें लगी हुई है कि वो कश्मीर में जाए और जहाद करे, वो रास्ते भी बंद है और वहाँ कश्मीरियों को भी पीसा जा रहा है। ये कौन सी पॉलिसी है? हमें अपनी दाखिल एक कौमी और सियासी मजहबी एक तीसरी कुव्वत बन के या पिशावर या लाहौर में जमा हो और बैठे तो बहुत बड़े, हमें आवाज बुलंद करने की जरूरत है। आप देख रही है जब दीनी कुव्वत 6-7-8 महीने में या फौरी इंतखाबात हो और दीनी कुव्वतें आप तो के इंफिरादी तौर से इंतखाबात लड़ेंगी तो मैं आप आपके जज्बे ठंडे पर। और मैं मुझे तो इस बात का सामना है एक तकरीर का, लेकिन जज्बे चाहता हूँ कि अल्लाह के यहाँ ये नारे मस्ताना मकबूल हो जाए, कबूल। और सख्त तपती गर्मी थी, इतनी गर्मी थी कि आप सोच नहीं सकते। जब वहां पे उन्होंने हमारी गाड़ी के साथ बदमाशी करने की कोशिश की, सिंध में हम दाखिल हुए तो काजी हुसैन अहमद गाड़ी के आगे पटरी के ऊपर बैठ गए, हम सब उनके साथ आए, नहीं उठे जब तक आज उन्होंने माफी नहीं मांगी और रास्ता नहीं खोला। क्या था उनके पास? वो नजरिया था, वो दीन था, वो ताकत थी। ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللہ پاک دے ټول وطن شینو ګلی ګلزار آمین وطن کی امن را وړي آمین انشاءاللہ دا بوتي بغټی کی او دا بسنا وای سر لیک نه کوته سر د سشي تاسو اس کو میرا بولا آج کے دن کہ تم کمانڈ ہو سیکورٹی پرووائڈ کر چلے